नमस्कार, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को पहचान दिलाने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी द्वारा साल 2021 को गढ़भोज के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे पारंपरिक फसलों के आधार पर तैयार भोजन को बाजार उपलब्ध हो और दैनिक जीवन के व्यवहार में हम इस भोजन को ला सकें। राजपुर रोड देहरादून के बालिका इंटर कॉलेज में इस अवसर पर गढ़भोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देखें हमारी ये रिपोर्ट। शुक्रवार 15 जनवरी को देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में गढ़भोज 2021 का आयोजन किया गया। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को पहचान व बाजार उपलब्ध कराना है। जीवन को चलाने के लिए सबसे बड़ा होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ होता है स्वास्थ्य के स्वाद, पौष्टिकता। इसके लिए जो यहाँ के गढ़ उत्पाद है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से होते हैं, उसको जैविक ताक से परिपूर्ण होते हैं, और इसकी जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, समाज रहा है, सभ्यता रही है, वो यहाँ के खान पान से स्वस्थदायक रही है। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वाद भी अच्छा रहे, जैविकता उनको अनाज प्राप्त हो, और उसके लिए यहाँ के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए ये अभियान एक सराहनीय है, और इससे आर्थिकी भी लोगों की बढ़ेगी, और उनके साथ साथ उनकी जो जीवन को चलाने के लिए एक परंपरागत जो उनका अभ्यास है वो भी बना रहेगा। तो इसलिए यह प्रयास अच्छा है, और लोगों को इसके ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि यह उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनसे बने हुए भोजन हैं वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। गढ़भोज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दाल के पकोड़े बनाकर गढ़भोज वर्ष 2021 अभियान की शुरुआत की गई। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन में जाड़ी संस्था को बधाई दी व कहा कि सभी सरकारी गैर सरकारी कैंटीन और स्कूल के मिड डे मील में गढ़भोज को शामिल करने के लिए सीएम से बात की जाएगी। इससे पहाड़ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी व उनको रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि जाड़ी संस्थान द्वारा यह कार्य एक अनोखी पहल है। उन्होंने कहा कि संस्थान के अनुरोध पर हमने एक साल पहले से ही पुलिस की कुछ कैंटीन के सप्ताह में एक दिन गढ़भोज परोसना शुरू किया है। सभी कैंटीन में यह पहल शुरू की जाएगी। इस मौके पर अभियान के संचालक द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने कहा कि संस्था लंबे समय से गढ़भोज को पहचान दिलाने का काम कर रही है। हम लोग उत्तराखंड के पारंपरिक गढ़भोज को बाजार और पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2001 से प्रयासरत है कि कैसे हम अपने भोजन को बाजार दिलाएं, पहचान दिलाएं। ये यात्रा चलती रही। इस बार आज का जो कार्यक्रम है, इस वर्ष 2021 को हम गढ़भोज वर्ष 2021 के रूप में मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि बाजार और पहचान दिलाना है, और दूसरा हम साल भर तक स्कूल, पंचायत, सरकार, गैर सरकार के साथ इसको लेकर के बातचीत, जन जागरूकता रैलियाँ, ये सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। साथ ही हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि सप्ताह का एक दिन गढ़भोज को मिड डे मील में सरकारी गैर सरकारी कैंटीन में इसे लागू करें। कार्यक्रम में इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा पहाड़ की संस्कृति और पर्यावरण आधारित गीत भी सुनाए गए।
जो ये गढ़भोज 2021 वर्ष मनाने के लिए जो हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी संस्थान उत्तरकाशी जाड़ी द्वारा जो कार्यक्रम का आगाज़ किया जा रहा है वो एक बहुत ही नायाब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो पहाड़ी हमारे व्यंजन हैं, खाद्यान्न हैं और जो कि इतने पौष्टिकता से भरपूर हैं, उनका अगर सरकारी कैंटीनों में, सरकारी जो हमारे मिड डे मील हैं उनमें समावेश होगा तो निश्चित रूप से वो लाभकारी साबित होगा। तो एक एक अनोखी पहल है और उस पहल का आज आगाज़ जो हुआ है वो GGIC राजपुर रोड में हुआ है। हम लोग अत्यंत हर्षित हैं कि COVID-19 की महामारी के बाद आज एक सो अवसर मिला है जिसमें कि हम लोग एक सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखने लगे हैं। वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करता गढ़भोज अभियान अपने आसपास मौजूद संसाधनों का समाज के हित में उचित व्यावहारिक प्रयोगों को अपनाते हुए अपनी संस्कृति, आर्थिकी, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा। सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि गढ़भोज का जो गढ़वाली व्यंजन है उनका आप जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, उसके आधार पर सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो आज मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा जो गढ़वाली भोजन है, गढ़वाली जो व्यंजन है, वो एक प्रकार की विशुद्ध दवा, उसका बिस्कुट जो आप कहते हैं एलोपैथ को छोड़कर जो आयुर्वेदिक दवाई, इनके अंदर एक एक चीज़ पाई जाती है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसी चीज़ों का उठाया जाए, जैसे कोदा है, झंगोरा है, गैत है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं, उसका आप इतना अच्छा उसका वो रूपांतरण आप उसको इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ क्षेत्र के उन जनमानस को जिनके घरों में ऐसे जो पदार्थ उत्पन्न करते हैं अपने खेतों में, उनको घर से बाहर निकालिए, रखिए आप, भेजिए आप समाज में, उसका प्रदर्शन लगाइए। प्रदर्शनी लगाने के लिए जो गढ़भोज को कार्यक्रम में इनके जुड़िए और इन तक अपना सामान भेजिए ताकि वो प्रचलित हो जाए और जो लोकल फॉर वोकल जो हमारा जो ये गढ़वाल का हमारा जो इस भोजन को लोग खाएंगे, मैं जानता हूँ स्वाद के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा से तमाम जो आपके शरीर की बीमारी वो भी नष्ट होती है। हमारी जो संस्था है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ी कोऑपरेटिव पर्वतीय जो अनाज हैं, जैसे जितने भी माउंटेन मिलेट्स हैं, कोदा, झगोरा, कौणी, चीना, ओगल, फाफर और चौलाई, इन जो परंपरागत अनाज हैं उनके संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो गढ़भोज वर्ष 2021 मनाया जा रहा है उससे हम उस रूप में जुड़े हैं कि हम परंपरागत फसलों को की खेती को प्रोत्साहन देंगे। हालांकि गाँव में जंगली जानवरों की समस्या, ये सब की वजह से कृषि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उसका सीधा सीधा असर रोजी रोटी के लिए पलायन को प्रेरित करना हुआ है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है कि जो परंपरागत जेनेटिक बैंक है, सीड बैंक है, उनको संरक्षित कर उनकी खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करना और गढ़भोज के माध्यम से उसकी मांग पैदा करना ताकि स्थानीय युवाओं को और महिलाओं को ग्राम स्तर पर रोजगार मिल सके। गढ़भोज कार्यक्रम में पारंपरिक पहाड़ी भोजन जिसमें लाल चावल, कंडाली की कांफुली, बोरास झंगोरी की फिरनी तैयार की गई थी जिसका स्वाद मौजूद सभी लोगों ने लिया। जो हमारा कोदा झंगोरा जो पारंपरिक कमरी चलते भोजन थे इनसे कई कोसों मील दूर हो चुका है। गढ़भोज के माध्यम से एक युवाओं को अपने पारंपरिक भोजनों की ओर जोड़ना और इस चीज़ को उनके दिनचर्या में लाने के लिए काम कर रहा हूँ।